उधार के रुपए नहीं लौटाने पर श्रमिक की तीन साथियों ने मिलकर कर दी हत्या। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में मजेरा के पास खीमज माता मंदिर रास्ते पर 11 फरवरी को मिले शव के मामले में देलवाड़ा थाना पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश करते हुए न सिर्फ उस शव की पहचान कर ली बल्कि हत्या करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि 11 फरवरी को मजेरा में खीमज माता मंदिर मार्ग पर एक शव पड़ा मिला। सूचना पर देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और अनंता अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। डीप फ्रीज में यह शव रखवाया गया था जो करीब एक दो दिन पुराना बताया जा रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके हाथ पर एक तरफ लक्ष्मी लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ CA, और इसी आधार पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए उसकी पहचान की तो वह उदयपुर जिले के बड़गांव में डांगिया मंदिर निवासी चंपालाल घमेती के रूप में उसकी पहचान हुई। उसके पिताजी का नाम जेता घमेती है। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात की, उनके परिजनों से पूछताछ की, आस पड़ोस मित्रों से पूछताछ करते हुए पुलिस ने सभी पहलुओं से गहन तहकीकात शुरू की। इसमें इसके तहत पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश करते हुए मुख्य रूप से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें कोडियात नई जिला उदयपुर निवासी बाबूलाल पुत्र पूना गमेती और कोडियात नई जिला उदयपुर निवासी मदनलाल पुत्र भगवान उर्फ बग्गाजी गमेती और मजेरा देलवाड़ा राजसमंद निवासी राजू पुत्र गणेश गमेती को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये तीनों ही आरोपियों ने मिलकर चंपालाल गमेती की हत्या की थी और हत्या के बाद उसके शव को वहाँ जंगल में खाई में फेंक दिया था और उसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन वह शव बरामद किया था। और इस पूरे मामले को लेकर जो हत्या के पीछे की जो कहानी आई है वह भी बड़ी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से बाबूलाल, चंपालाल और मदनलाल तीनों ही लंबे समय से साथ में मजदूरी का काम उदयपुर व राजसमंद क्षेत्र में करते थे और इसी के तहत उनकी जान पहचान हुई थी। और इसी के तहत कुछ 6 महीने पहले बाबूलाल ने 5,000 रुपये जो मृतक हैं चंपालाल को दिए थे उधार में, उसके बाद जो उधरत दिए पैसे लौटाने के लिए बाबूलाल बार बार तकाजा करता रहा और उसके लेकर चंपालाल टरकाता रहा। पुलिस पूछताछ में बताया कि चंपालाल ने एक बार 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 तकाजा करने पर चंपालाल ने अन्य साथियों की मदद से बाबूलाल की पिटाई भी कर दी थी और उसे डराया धमकाया भी। इस कारण बाबूलाल काफ़ी व्यथित था और आक्रोश उसमें था और इसी का बदला वह लेना चाहता था और साथ ही जो उधार दिए पैसे वह भी वापस लेना चाह रहा था। इसी के तहत उसने एक दिन उस आरोपी चंपालाल से मारपीट कर उससे पैसे वसूलने की कार्ययोजना तैयार की। उसी के तहत 10 फरवरी 2024 की बात है, वह सुबह अपने घर से निकलता है और चंपालाल को कॉल करता है कि नाथद्वारा क्षेत्र में मजदूरी है, मजदूरी मिलेगी, आप मेरे साथ चलो, वहाँ कोई काम देखते हैं। मजदूरी दिलाने के बहाने बाबूलाल चंपालाल को उसकी बाइक पर बिठा कर राजसमंद जिले की तरफ आगे बढ़ता है। देलवाड़ा के पास मजेरा गांव में पहुंचता है जहां पर बाबूलाल उसके मित्र मदनलाल गमेती को कॉल करता है। मदनलाल बताता है कि वह तो राजसमंद में JK टायर फैक्ट्री के वहां ट्रक पर कार्य कर रहा है और वहां पर हैं। इस पर बाबूलाल चंपालाल को लेकर बाइक लेकर वह सीधे राजसमंद में JK टायर फैक्ट्री पर पहुँचता है जहाँ पर वह ट्रक के पास मदनलाल मिल जाता है। वहाँ से बाबूलाल उस मदनलाल को भी अपनी बाइक पर बिठा कर वापस निकलते हैं और उसके बाद वे शराब लेते हैं, शराब तीनों ही शराब पीते हैं। उसके बाद फिर वे वहाँ से रवाना होकर देलवाड़ा के पास मजेरा गांव में पहुँचते हैं जहाँ पर एक मदनलाल का मित्र राजू गमेती वहाँ पर खड़ा मिलता है। इस तरह चारों की वहाँ मुलाकात होती है। उसके बाद फिर वो शराब लेके आते हैं और मजेरा में खीमज माता मंदिर रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर चारों मिलकर शराब पीते हैं। बाबूलाल गमेती, मदनलाल गमेती, राजू गमेती और चंपालाल गमेती, ये चारों ही लोग वहाँ शराब पीते हैं और शराब पीने के दौरान ही बाबूलाल फिर उस चंपालाल को कहता है कि मैंने जो उधार रुपए दिए हैं वह वापस लौटाएं। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस होती हैं, तकरार होती हैं और तकरार के बाद बाबूलाल उसके साथी मदनलाल और राजू गमेती की मदद से चंपालाल को पकड़ लेते हैं, पीटते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक पेड़ से बांध देते हैं।
पेड़ से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है, वह गंभीर घायल हो जाता है। उसके बाद उसे पेड़ से खोलते हैं, खोलने के बाद वे वहीं पर एक गहरी खाई की तरफ फेंक देते हैं और साथ ही उसके ऊपर पत्थर पटकते हैं, चेहरे पर पत्थर पटक पटक कर उसकी हत्या कर देते हैं। इस पूरी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से देलवाड़ा थाना पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल के नेतृत्व में देलवाड़ा थाना प्रभारी रमेश मीणा, एएसआई बरकत खां सहित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं और इस वारदात को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।